डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक ये सीरीज का फिफ्टींथ लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन नंबर इलेवन से लेकर टू ट्वेंटी फाइव तक कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड इलेवन में पूछा है कि कॉन्क्रीट की अलाउेबल सीर स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है आई थिंक ये यहाँ पर स्ट्रेसिस पूछना चाह रहा है कि सीर स्ट्रेसेज जो अलाउेबल है वो किस पर डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं सीर स्ट्रेंथ पर तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है क्वेश्चन टू हंड्रेड ट्वेल्व क्वेश्चन 212 में पूछा है कि एम टू हंड्रेड कॉन्क्रीट ग्रेड का परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा तो एक तो परमिसेबल जो पूछे जाते हैं वो स्ट्रेसेस पूछे जाते हैं कि कितने स्ट्रेसेस तक अलाउड है ये स्ट्रक्चर कितने तक के स्ट्रेसेस ले सकता है तो आई थिंक यहां मिस्टेक है कंप्रेसिव एम टू हंड्रेड कॉन्क्रीट की वो होगी टू हंड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो आंसर होगा ऑप्शन बी आंसर की मैं इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है जो कि गलत है बी करेक्ट होगा और रेफरेंस के लिए ये आई एस फोर फाइव सिक्स में टेबल नंबर टू दी हुई है इसको यूज कर सकते हो आप क्वेश्चन टू हंड्रेड थर्टी में पूछा है परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई थिंक यहां पर भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी गई है पिछले क्वेश्चन के जैसे कि एम वन फिफ्टी कॉन्क्रीट है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी वो होगी वन फिफ्टी के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो आंसर होगा ऑप्शन डी यहां पर भी करेक्शन है आंसर की में आंसर दिया है वो ऑप्शन बी दिया है नेक्स्ट है क्वेश्चन 214 क्वेश्चन 214 में पूछा है कि एम टू हंड्रेड कॉन्क्रीट ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी यह होगी 200 हंड्रेड के पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो आंसर होगा ऑप्शन बी आई एस में जो यूनिट दी गई है वो न्यूटन पर एम स्क्वायर में दी गई है और यहाँ पर के पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो जो एम ट्वेंटी है आई एस कोड के अकॉर्डिंग वो यहां पर जो यूनिट्स है उनके अकॉर्डिंग एम टू हंड्रेड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 215, 215 फिफ्टीन भी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही एम 300 कंक्रीट ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी है तो 300 हंड्रेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 216 हंड्रेड सिक्सटीन में पूछा लीच एटल किसके लिए यूज होता है यह साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करने के लिए यूज होता है और ऑटोक्लेव टेस्ट भी साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करने के लिए यूज होता है साउंडनेस का मतलब है कि वॉल्यूम है वो कितना स्टेबल है हार्ड होने के बाद क्या कॉन्क्रीट में वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं वो साउंडनेस है तो आंसर पर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है क्वेश्चन 217 217 में पूछा स्लम टेस्ट किसके लिए किया जाता है तो ये वर्केबिलिटी या कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए जाता है कॉन्क्रीट का तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉन्क्रीट क्वेश्चन 218 में पूछा पॉइंट जीरो साइज के पार्टिकल्स हैं तो वो कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं क्ले है सैंड है ग्रेवल है तो 4.75 से 75 एमएम mm तक के पार्टिकल्स हैं वो ग्रेवल है, .075 mm mm है. 0.075 एमएम से 4.75 एमएम तक सैंड है 0.002 से 0.0075 एमएम है ये सिल्ट है और 0.00 से जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्ले है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट है क्वेश्चन 219 टू हंड्रेड नाइनटीन में पूछा है कि जिप्सम किसके लिए ऐड किया जाता है तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए जिप्सम ऐड करते हैं हम ग्राइंडिंग के टाइम पर तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी कंट्रोलिंग सेटिंग टाइम नेक्स्ट है क्वेश्चन टू ट्वेंटी क्वेश्चन टू ट्वेंटी में पूछा है कि एग्रीकेट इंपेक्ट वैल्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है तो एग्रीकेट की इम्पेक्ट वैल्यू के रिगार्डिंग दो गाइडलाइन गिवन हाइस फोर फाइव सिक्स में कि जो सरफेस कोर्स है उसके लिए इंपैक्ट वैल्यू की वैल्यू थर्टी परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अदर देन वीरिंग सरफेस है उसके लिए फोर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यहां पर ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही करेक्ट है क्योंकि सी में रनवे एक ये वीरिंग सरफेस है और पेमेंट भी वीरिंग सरफेस है तो इनके लिए थर्टी परसेंट से लेस होना चाहिए बाकी स्ट्रक्चर्स के लिए फोर्टी फाइव परसेंट से लेस होना चाहिए तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी

यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है कि सिंगल साइज कोर्स एग्रीगेट्स हैं तो वर्ड रेसिट फोर फाइव होगा बी में दिया है कि पॉइंट जीरो सी में दिया है ये होगा तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन टू ट्वेंटी टू क्वेश्चन टू ट्वेंटी टू में पूछा है कि कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी है वो किससे इम्प्रूव कर सकते हैं तो कॉमन मटेरियल्स ऐसे जो कि वर्केबिलिटी को एनहांस करते हैं वो है बेंटोनाइट क्ले डायटोमिस अर्थ फ्लाईस फाइनली हाइड्रेटेड लाइम और टाल तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है क्वेश्चन 223 क्वेश्चन 223 में पूछा है कि वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट है उसको किससे इम्प्रूव कर सकते हैं तो सारे ही एजेंट्स हैं वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं यहां पर भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एयर एंट्रेनिंग एजेंट ऑयली एजेंट फोर्मिंग एजेंट और एल्युमिनियम कंपाउंड क्वेश्चन टू ट्वेंटी फोर काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि स्ट्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कंक्रीट है वो चाहे प्लास्टिक स्टेट में हो या हार्डन स्टेट में हो उसमें एक टेंडेंसी होती है उसको श्रिंक करने की जैसे जैसे मॉइस्चर लॉस होता है कॉन्क्रीट स्ट्रिंक करती है मेन रीजन है वो मॉइस्चर लॉस है कुछ और रीजन भी होते हैं माइनर रीजन जिनकी वजह से भी कॉन्क्रीट स्ट्रिंक करती है और ये वाटर की वजह से हो रहा है मेजर कॉज जिसका वाटर है तो जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेसियो रखेंगे जितना ज्यादा हम कॉन्क्रीट में वाटर एड करेंगे उतना ज्यादा उसमें श्रिंकेज होगा हो प्लस जितना ज्यादा सीमेंट पेस्ट वाला फेज होगा हो जैसे कॉन्क्रीट है उसमें तो है, है, है तो एग्रीगेट्स और एक बीच में सीमेंट पेस्ट है तो एग्रीगेट्स तो श्रिंक होते नहीं है सीमेंट पेस्ट है वो उसमें से वाटर लूज होगा और वो श्रिंक होंगे तो सीमेंट पेस्ट जितना ज्यादा होगा कॉन्क्रीट उतनी ही ज्यादा श्रिंक होगी और ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ भी कॉन्क्रीट है वो ज्यादा स्ट्रिंक होगी क्योंकि कंटिन्यूअसली मॉइस्चर लॉस है वो हो रहा है उसमें कॉन्क्रीट में से और जो हार्डन कॉन्क्रीट है उसमें जो जेल्स पौर, जेल जेल पोर्ट है उनमें से कंक्रीट में से, से वाटर लूज होगा तो कंक्रीट स्विंक होती है और ये डिक्रीज कब होगी जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली मॉइस्चर का लॉस नहीं होगा एग्रीकेट्स का सरफेस अपन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो अगर ज्यादा है तो उस केस में जो स्विंकज है वो डिक्रीज होगा तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एज के साथ में भी सीमेंट कंक्रीट के साथ में भी और वाटर कंटेंट के साथ में भी श्रिंकेज है वो इंक्रीज होगा क्वेश्चन 225 में पूछा है कि सीमेंट में पोजोलोना ऐड करने से क्या इफेक्ट होगा तो सीमेंट में जब सी एस एस जेल बनता है तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है सीएओएस टू एस कैल्सियम हाइड्रोक्साइड और एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है क्योंकि ये लीच आउट हो जाता है पोर्स बन जाते हैं जहां पर ये प्रेजेंट था वहां पर तो जो पोजोलोना ऐड करते हैं तो पोजोलोना इसके साथ में रिएक्ट करता है और सी एस एस जेल में कन्वर्ट कर देता है इसको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पोजोलोना की और इसी के कारण परमेबिलिटी में रिडक्शन होता है यहां पर आंसर होगा ऑप्शन ई e सारे स्टेटमेंट करेक्ट है इसको और ज्यादा डिटेल में अगर आपने समझना है तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटी नाइन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वहां पर आप लोग देख सकते हो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट